तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम टाइम हम ये इशू फेस करते हैं कि हमारे जो ब्रश है उसकी शेप चेंज हो जाती है और हम सही से वर्किंग नहीं कर पाते, तो हम इस इशू को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पर जाना है और कैप्स लॉक का बटन जो है उसे प्रेस कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो ब्रश का शेप है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह हम इसे कर, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी जो ब्रश की शेप है वो कैप्स लॉक बटन को प्रेस करने के बावजूद भी चेंज नहीं हो पाती। तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना, तो सिंपल हमें क्या करना है, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद नीचे एंड पे प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और देन यहाँ से हम कर्सर्स पर जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टैब ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा ब्रश है वो सिलेक्ट है नॉर्मल ब्रश टिप, और अगर मैं स्टैंडर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ब्रश की शेप चेंज हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल नॉर्मल ब्रश टिप पे क्लिक करना है और जस्ट ओके कर, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।